आप देख रहे हैं द न्यूज नेटवर्क मेरे यानी नरेश कुमार के साथ। और इस समय की अगर मैं बात करूं तो इस समय मौजूद हूं बरवाला नगर पालिका के अंदर। और दो चार दिन पहले मैंने आपको एक यहीं की वीडियो दिखाई थी, यहीं की कवरेज हमने की थी, जिसमें कि ये कर्मचारी धरने पर बैठे थे। दो दिन का वो सांकेतिक धरना था, लेकिन इन्होंने उस सांकेतिक धरने के बाद भी कुछ कहा था, वो आपने उस वीडियो में देखा होगा। लेकिन आज फिर ये नगर पालिका के कर्मचारी जो है धरने पर बैठे हुए हैं। क्या कुछ इनकी मांगे हैं, उन सब मांगों के लेकर के, किस मांगों को लेकर के यहाँ पर बैठे हैं, इनसे बातचीत करेंगे और जानेंगे कि आखिर क्या वो कारण है जिनके लिए आज फिर इनको, जिसको लेकर के यहाँ पर धरने पर बैठना पड़ा है। इस समय की अगर मैं बात करूँ तो बरवाला नगर पालिका के अंदर मौजूद है जी। नमस्कार। नमस्कार। हमने दो चार दिन पहले भी आपकी एक कवरेज की थी, उसमें भी आप नारेबाजी कर रहे थे, अपनी मांगों को लेकर के सांकेतिक धरना दिए हुए थे। क्या कुछ वो आपकी मांगे थी और उस पर कितना विचार किया गया है? अगर नहीं किया गया है तो क्यों आप फिर दोबारा से धरने पर बैठे हो? हम मजबूर होकर के बैठे हैं धरने पर, हमारा कोई पैसा नहीं है। सरकार हमारे साथ बहुत ही अन्याय कर रही है और शोषण कर रही है। हमारे सफाई कर्मचारियों का, ठेका प्रथा वाले का, या फिर पालिका रोल वाले का लगा लो आप, और किसी भी विभाग का देख लो आप, हर एक कर्मचारी का शोषण करने लग रही है सरकार। अब ये नई पॉलिसी चला दी कौशल रोजगार, जो कि एक ही हमारी जो नौकरी बची हुई थी इस पर भी सरकार ने बैन लगा दिया। और सोशल रोजगार जो चलाया है ये बहुत ही गलत है, हम इसका तहे दिल से विरोध करते हैं। और हमारी जो भी जितनी पेंडिंग मांगे पड़ी है उनके बारे में भी हम सरकार से अनुरोध करते हैं बार बार, हमारी मांगे मानी जाए और ना ही कोई पब्लिक परेशान हो और ना ही हमने परेशान होना पड़े। जय एकता, जय सरकार। देखिए, दो दिन पहले भी हमने जब इनसे बातचीत की थी यही इनकी मांगे थी, आज फिर ये धरने पर बैठे हुए हैं। कुछ और साथी हमारे साथ मौजूद है जी। नमस्कार। नमस्कार। क्या नाम है जी आपका? सोमनाथ। सोमनाथ जी, ये बताइए, दो दिन पहले भी आप यहाँ पर बैठे हुए थे, कुछ मांगे लिए हुए थे, आज भी क्या आपकी वही मांगे हैं? हमारी मांग भी वही है जी। मैं बताऊँ आपने, हम तो बहुत दिन से बैठे हुए हैं, हम बहुत तंग कर रखे इस कटर ने। ये बीजेपी सरकार आई है, जब से महंगाई है, हमने तो बच्चे पढ़ने बड़ी मुश्किल हो रही है। और सरकार से यही अनुरोध है कि हमारा काम पटापट कर दिया जाए, नहीं तो तख्ता पलट हो जाएगा। जय हिंद, जय भीम। सुरेश कुमार जी, ये बताइए, आज की जो ये हड़ताल है, क्या अकेले यहाँ पर रखी गई है या राज्य स्तर की ये हड़ताल है? ये जो हड़ताल है ये पूरे हरियाणा प्रदेश के अंदर हड़ताल है, पूरे हरियाणा प्रदेश की नगर पालिका इकाई संघ है, तो सभी ब्लॉक सत्र पर ये हड़ताल है। अगर आपकी मांगों की बात करें तो आपकी मांगे आपको कितनी जायज़ लगती है, और सर्व कर्मचारी संघ के एक अधिकारी होने के नाते आप क्या कहेंगे कि कितनी जल्दी इनको मांगों को पूरा कर लिया जाए? देखो, जो ये हमारी मांगे नहीं है जी, ये हमारा हक है। मांग हमारी कोई नई ऐसी कोई मांग नहीं, हमारा हक है। अब ये जो साथी है, कोरोना काल के टाइम लोग अपने घरों में बंद थे और इन साथियों ने बाहर रोड पर आके काम किया, उस समय जो व्यक्ति डेड हुए उनको जलाया, उस समय का 18 महीने का एरियर हमारा बाकी है तमाम कर्मचारियों का। और उस समय जो हमारे कर्मचारी साथी शहीद हुए, हमारी नगरपालिका इकाई संघ हरियाणा है, जो उसकी डिमांड भी है कि कोरोना काल के दौरान उस बीमारी के अंदर संघर्ष करते हुए हमारे कर्मचारी साथी जो शहीद हुए हैं उनको शहीद का दर्जा दिया जाए। और सरकार ने जो अनाउंसमेंट की थी 30 लाख रुपए कर्मचारी को देंगे, जबकि हमारा कर्मचारी संघ ने 50 लाख रुपए उन कर्मचारियों के लिए मांगा था, वो 50 लाख रुपए दिया जाए। देखिए दर्शकों, मैं बताना चाहूँगा, जब कोरोना काल चला हुआ था उस समय जिस व्यक्ति को कोरोना हो जाता था उसके परिवार का सदस्य भी उसके नज़दीक नहीं लगता था, लेकिन ये वो साथी थे, जो वो साथी शहीद हो जाते थे या फिर वो कोरोना से ग्रसित होकर के इस मौत को गले लगा लेते थे, उनको जलाने का काम, उनको अंतिम संस्कार करने का काम ये साथी कर रहे थे। लेकिन आज की अगर बात करें तो अपनी मांगों को लेकर के ये धरने पर बैठे हुए हैं, आप क्या कहेंगे इस पूरे के पूरे प्रकरण में? आप सरकार को कितना दोषी मान रहे हैं?
बिल्कुल जी, ये तो आपने दिखाने लग रहा है। आप मेरे तो बात तो वैसे पूछो, मतलब भाई इस बात का सारा ब्लेम मेरे ऊपर है जी। ये बात तो आप भी जानो हो भी सरकार कितनी दोषी है, चाहे पहले वाली सरकार रही हो सही वाली सरकार रही हो। इन के काम करे, सिर्फ अपना पेट भरना काम करे, अपनी जेब भरने का काम करे है। इसका जो आम नागरिक है उस ती बाढ़ में जाओ, इनकी कोई मतलब नहीं है उस बात पर, ठीक है जी। और ये चीज़ आजकल जो ये मीडिया है, मैं नाम तो नहीं लूँगा पर्सनली, जो वो भी बिकाऊ है, जो कुछ दिखाने लग रहे हैं वो है नहीं, और जो है वो दिखाने नहीं लग रहे, दोनों चीज़ अपोजिट है जी। जो चीज़ रियल में दिखाने लग रही है अपन, वो चीज़ तो अपन अनदेखीकरण करवाने लग रहे हैं, और ध्यान भटकाने के लिए एक जगह से दूसरे जगह पर शिफ्ट करने लग रहे हैं माइंड। ये इनका माइंड डाइवर्ट का बिल्कुल पहले तो भी ये एजेंडा था और आगे भी इनका यही रहेगा जी। और एक हिंदू मुस्लिम की लड़ाई, इनका मेन मकसद रहा है जड़ा हिंदू मुस्लिम ओडो हिंदू मुस्लिम करा दो, जड़ा जात का नाम पर लड़ाना और जात का नाम पर लड़ा दो। आज के इस धरने का अगर जिक्र करें, कितने दिन का ये धरना रखा गया? दो दिन का धरना है जी ये बिल्कुल, और ये दो दिन का बिल्कुल इसके तुरंत बाद जी, ये दो दिन का धरना है 23 और 24 का। लेकिन अब भी सरकार अगर नहीं मानती है तो 27 तारीख को जिला मुख्यालय पर सर्व कर्मचारी संघ इन्हीं तमाम प्रकार की मांगों को लेकर, हमारे हकों और अधिकारों को लेकर जिला मुख्यालय पर हम धरना प्रदर्शन करेंगे और डीसी के माध्यम से सरकार को ज्ञापन देंगे हमारी इन मांगों के खिलाफ। ये जो हड़ताल है ये ऐसा नहीं है कि मैं लिया कोई एक ही हमारी कोई पर्सनल कोई मांग हो, हम हकों के लिए बैठे हैं, हम हमारे आने वाली जनरेशन के लिए बैठे हैं। आज आपको पता कि महंगाई की 70 रुपये है, लगातार सरकारी महकमे बेचे जा रहे हैं, किसी आज डेवलपमेंट की स्थिति में हमारी दशा क्या है, आज भारत की गिनती नेपाल भूटान और बांग्लादेश और पाकिस्तान से नीचे चली गई है, जीडीपी हमारा ख़त्म हो चुका है, है जो पहले हमारा विकासशील देशों में नाम आता था, हमारी टक्कर होती थी अमेरिका और चाइनीज चीन देशों से, आज हमारी दशा देखो, भूखमरी हमारी कितनी बढ़ गई है, रोज़गार किसी के पास है नहीं है, भर्तियाँ पक्की हैं कर नहीं रहे हैं, कच्ची भर्तियाँ निकालना है, और पहले जो स्कीम होती थी किसी पॉलिसी के तहत एक कच्चा कर्मचारी को पक्का करने की, वो सारी पॉलिसियाँ इन्होंने बंद कर दी है। और अब ये जो कौशल रोज़गार योजना लेके आई है, एक बहुत ही भद्दी किस्म की योजना है, इस योजना का हम विरोध करते हैं। और एजुकेशन की स्थिति आप देख सकते हो, तो आम आदमी को इतना मतलब इतना बुरी तरीके से मतलब शोषण कर रही है ये सरकार, जिस प्रकार ये सत्ता में आने से पहले जो वायदे लेके आई थी या 14 से पहले जो इनका मैनिफेस्टो था घोषणा पत्र था, उनमें से एक भी वायदा अगर इन्होंने पूरा किया उसे बता दो। मीडिया को पाबंद किया हुआ है, ये तो थोड़ा मोटा तारा वर्ग है जो से सोशल नेटवर्क साइट है जिनकी सोशल मीडिया है उसके जरिए हमारी आवाज़ थोड़ी फैल जाए, नहीं तो आप देख सकते हो मीडिया के अंदर तो लोग बिके हुए हैं अपना TRP बढ़ाने के चक्कर में, सरकार की जो नीतियां हैं उनका मतलब किसी प्रकार का विरोध नहीं करते हुए। आपके जो उच्च अधिकारी है उनसे सरकार का कोई नुमाइंदा मिला है कि या नहीं? हमारे उच्च अधिकारी थोड़ी, हमारी तो सरकार के साथ लड़ाई है, हम अधिकारियों के साथ थोड़ी लड़ रहे हैं। हमारे आपके जो इस पूरे प्रकरण को जो लोग चला रहे हैं उस स्तर पर जो बात कर रहे हैं, मैं उनकी बात कर रहा हूं, उनसे कोई अधिकारी सरकार का कोई नुमाइंदा मिला है या नहीं? मैं आपको बताऊंगा, 17 अप्रैल 2020 और 25 अगस्त 2020 को नगर पालिका इकाई संघ और नगर पालिका कर्मचारी संघ दो बार सरकार से वार्ता कर चुका है, और उस वार्ता के दौरान समझौता हुआ था, वहाँ समझौता हो गया, लेकिन वो जो समझौता था आज तक इम्प्लीमेंट नहीं हुआ। समान काम समान वेतन है, जैसे जो काम लिया कर्मचारी करेगा पक्का कर्मचारी के जितनी उनको सैलरी मिलनी चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने बकायदा कह रखा है 2020 के अंदर समान काम समान वेतन लागू करे, लेकिन सरकार उसको लागू नहीं करना चाह रही। और भी बहुत सी दूसरे राज्यों में जिस तरह पुरानी पेंशन को लागू कर दिया, यहाँ नई पेंशन है किसी, इब एक बात बताओ, MLA MP अगर 4 बार MLA बना है 4 पेंशन, 5 बार बना है 5 पेंशन, MLC बना है तो उसकी पेंशन, और सांसद बना है तो उसकी पेंशन, एक कर्मचारी 30 से 40 साल सेवा कर जे उसको पेंशन नहीं है। तो हमारी हड़ताल उन मांगों को लेके भी है। तो दर्शकों, आपने देखा किस प्रकार से पिछले दिनों भी ये लगभग 3 से 4 दिन पहले
ये धरने पर बैठे थे, यही इनकी मांगे थी। लेकिन दो दिन का सांकेतिक धरना था, वो आज फिर दो दिन का ये सांकेतिक धरना दिया जा रहा है। इसके साथ साथ चेताया भी जा रहा है सरकार को कि अगर हमारी मांगों को नहीं माना जाता है तो बड़े स्तर पर भी कदम उठाया जा सकता है। 27 तारीख को बताया जा रहा है कि बड़े स्तर पर कदम उठाया जाएगा। आप लोग हमारे साथ जुड़े, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। एक जिक्र मैं और यहाँ पर करना चाहूँगा, आज की अगर मैं बात करूँ, कल से बारिश का जो मौसम हुआ है उसके दृष्टिगत अगर देखा जाए तो बरवाला के हालात बद से बदतर हो चुके हैं। हर सड़क पर, हर चौराहे पर, हर गली में इतना पानी भर चुका है, और अगर ये कर्मचारी यहाँ पर बैठे रहेंगे तो उस पानी को कौन निकालेगा, उस जगह की सफाई कौन करेगा। यही वो कर्मचारी होते थे, चाहे किसी भी प्रकार की मुसीबत आती थी तो इन कर्मचारियों को बुलाया जाता था। लेकिन आज ये खुद अपनी मांगों को लेकर यहाँ पर बैठे हैं तो जनता का क्या हाल होगा। सरकार को इनकी मांगें कितनी जल्द मान लेनी चाहिए, आप पर छोड़ते हैं। सभ्य शब्दों का इस्तेमाल करके कॉमेंट के माध्यम से ज़रूर बताएं। आप लोग हमारे साथ जुड़े, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।